सोनभद्र उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। सोन नदी के किनारे बसे हुए इस शहर को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा हब के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा ऐसा शहर भी है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। ये शहर अपने खनिज उद्योग और थर्मल पावर प्लांट के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसीलिए इस शहर को मिनरल सिटी और पावर प्लांट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। शहरी विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र भारत का 8वां सबसे साफ सुथरा शहर भी है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं कुल 4 राज्यों से मिलती है। ये शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 367 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां से 70% बिजली की सप्लाई पूरे भारत में होती है। इसके अलावा सोनभद्र शहर में स्थित डाला सीमेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 7वां सबसे बड़ा जिला है। लगभग 6,768 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए सोनभद्र जिले की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 18 लाख से भी ऊपर थी। आबादी के लिहाज से सोनभद्र शहर उत्तर प्रदेश का 28वां और भारत का 65वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जिला भी है। सोनभद्र जिला कुल 4 तहसीलों में बटा हुआ है जिसमें रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, दुद्धी और ओबरा शामिल है। धार्मिक दृष्टि से सोनभद्र जिले में 93% हिंदू, 6% मुसलमान तथा 1% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से सोनभद्र जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग अर्थात दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग शहर के रॉबर्ट्सगंज इलाके में स्थित रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 2 है और 4 रेलवे ट्रैक मौजूद है। 2016 में किए गए भारतीय रेलवे के एक रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक है। सोनभद्र रेलवे स्टेशन के जरिए रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आवागमन किया करते हैं। संबलपुर एक्सप्रेस, शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस, तानकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस और जम्मू तवी जैसी कई अन्य प्रमुख रेलगाड़ियाँ सोनभद्र रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। सोनभद्र जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार पर आधारित है। शहर में बड़े पैमाने पर सीमेंट उद्योग और खनिज उद्योग स्थापित है। इसके अलावा शहर में कई सारी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, जिसमें ONGC, SR स्टील, डाला सीमेंट फैक्ट्री, हीरो मोटोक्रॉप तथा NTPC जैसी कई अन्य बड़ी इकाइयाँ मौजूद है जो कहीं न कहीं सोनभद्र शहर के लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अलावा सोनभद्र शहर की अर्थव्यवस्था कृषि पर भी आधारित है। गेहूं, धान, गन्ना और बाजरा शहर की मुख्य फसलें हैं। सोनभद्र शहर अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी सोनभद्र शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिनके बिना सोनभद्र शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, सलखान फासिल पार्क। रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर दूर स्थित सलखान फासिल पार्क भारत का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है। इस पार्क में लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म देखे जा सकते हैं। यहाँ के जीवाश्म पत्थरों पर छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं। सलखान फासिल पार्क को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 2, विजयगढ़ का किला। रॉबर्ट्सगंज तहसील से 30 किलोमीटर दूर स्थित विजयगढ़ किला 400 फीट ऊंचे पहाड़ पर बना एक विशाल किला है। इस किले का निर्माण 56 ईसा पूर्व में राजा बालासुर ने महाभारत काल के दौरान करवाया था। लगभग 5000 साल प्राचीन यह किला प्राचीन काल से आज तक कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ये वही किला है जिस पर चंद्रकांता का पूरा टीवी सीरियल बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले के नीचे एक और किला बना हुआ है जहाँ पर अकूत खजाना दबा है। यह किला रहस्य से भरा हुआ और काफी डरावना है, इसलिए यहाँ पर लोग जाने से हिचकिचाते हैं। नंबर 3, रिहंद बांध।
रिहंद बांध परियोजना भारत की एक मुख्य नदी घाटी परियोजना है। रिहंद बांध सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं। यह डैम कृत्रिम खूबसूरती से भरा हुआ है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटन आते हैं। इन सभी पर्यटन स्थलों के अलावा सोनभद्र जिले में कई सारे और भी पर्यटन स्थल हैं, जिनको एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें मुक्खा फॉल, अघोरी किला, वीर लोरिक स्टोन, सन इको प्वाइंट, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट आदि यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।